बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं वाओ नी अपने टीवी में। प्यार दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पढ़ लिया होगा कि अगर पाकिस्तानी दुबई जाना चाहते हैं तो ये दो काम लाजमी करें, वरना आपके पैसे भी ज़ाया होंगे। कल भी इसी तरह लोगों के 3-3 लाख रुपए ज़ाया हुए हैं। मुकम्मल डिटेल से आप लोगों को आगाह करेंगे इसी शॉर्ट सी वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो पूरी देखिएगा, लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं अपने चाहने वालों से एक रिक्वेस्ट लाजमी करूँगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो अपने प्यार से हाथों से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी तौर पर कर लेना है, ताकि हर तरह की जो भी अपडेट्स आएँ सबसे पहले हम आप तक पहुंचाते रहें। तो बात करते हैं कि कौन से पाकिस्तानी हैं जो दुबई के लिए सफ़र ना करें। हमने इसके बारे में पहले भी एक दो वीडियोस बनाई थी, लेकिन कुछ मेरे ऐसे भाई हैं जो मजाक समझ बैठे, लेकिन फिर उनके साथ यही हुआ जो हम आप लोगों को बता रहे हैं। देखिए, अगर आपके पास सऊदी अरेबिया का वीज़ा है और आप ये सोच रहे हैं कि हम दुबई के रास्ते चले जाएँगे वहाँ 14 दिन स्टे करके, तो दुबई हुकूमत की जानिब से जो सऊदी वीज़ा वाले हैं उन पर पाबंदी आयद कर दी गई है, क्योंकि वो वहाँ पे SOP का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रख रहे थे। जो क्वारंटाइन करते थे वो बाहर निकलते थे, रूम में नहीं रहते थे, जिसकी वजह से ये पाबंदी आयद की गई।